कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकारी कामों को सही अमलीजामा पहनाना और आम जनता तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी दिनों में हमीरपुर जिला में काम किया जाएगा। ये बात हमीरपुर में नए उपायुक्त का पदभार संभालने के बाद देवश्वेता बनिक ने कही। मंगलवार देर रात को ज्वाइनिंग के बाद नवनियुक्त उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों और कोविड से संबंधित जानकारी हासिल की है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने जिला हमीरपुर के लिए अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिला के विकास कार्यों को गति दी जाएगी और साथ ही सरकारी योजनाओं का कागजों में नहीं अपितु असल में लोगों तक पहुंचे इसके लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है और बहुत फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ अपने आप को कि मुझे हमीरपुर ज़िला की जो है में इस पद का कार्यभार मिला है। और मैं जो है मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे इस पोस्ट पे और लोगों से और हमारे जो जितने हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जितनी हमीरपुर में है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम साथ कम्युनिटी के साथ मिलके लोगों की पार्टिसिपेशन से सहभागिता से जो है वो कर सकते हैं। और मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले तो ये रहेगी कि ऐसा ना हो कि जो पहले से अच्छे कार्य चल रहे हैं उनमें कोई भी जो है रुकावट आए, कोई भी जो है वो उनका जो उनकी गति में कोई धीमी जो गति है वो धीमी हो। तो मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूंगी पूरी अपनी कि जो कार्य अच्छे कार्य जितने चल रहे हैं वो उसी गति से और गतिशील तरीके से जो है वो चलते रहें। देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोविड के बावजूद जितना लोगों से जुड़ने के लिए काम हो इसके लिए पहल की जाएगी और वो पूरे हों, संपन्न हों और सभी के सहभागिता से हों। और जितने हमारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी है लोगों के लिए, जितने हमारे सरकारी स्कीम्स हैं, जितनी योजनाएं हैं, वो सच्ची में सिर्फ कागजों में नहीं बट असलियत में लोगों तक पहुंच सके, जो बेनिफिशरीज हैं वहां तक पहुंच सके। और मैं यही आशा करूंगी कोविड के बावजूद हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम प्रशासन की तरफ से लोगों से जुड़े रहें हर तरह से। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो है जुड़ना बहुत पहले से बहुत आसान हो गया है। तो हर तरह के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हर कार्य में जो है लोगों को अपने साथ लेके चलें और आगे भी कुछ ना कुछ नए जो गतिविधियां हैं वो भी जरूर शुरू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो मैं सीखना चाहूंगी कि क्या किस तरह की जगह है, अभी पहला ही दिन है। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर टेन्योर और मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट होगा और लोगों की सहभागिता जो है वो हमेशा हर कदम पे मिलती रहेगी। आपको बता दें कि देवश्वेता बनिक IAS बैच 2013 की हैं और शिमला में मैनेजिंग डायरेक्टर HPMC तैनात थी। पहली बार देवश्वेता बनिक को हमीरपुर जिला में बतौर उपायुक्त तैनात किया गया है।